हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये है बोट इमोर्टल 121 ईयरबड्स, जो कि गेमिंग ईयरबड्स है और आज इसका फुल डिटेल रिव्यू होने वाला है। वैसे इसके खास फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको बीस्ट मोड मतलब गेमिंग मोड, उसके बाद 40 आवर्स का प्लेबैक टाइम और इसमें आपको रियल RGB लाइट्स मिलने वाली है। क्योंकि देखा गया कि बजट में जितने भी ईयरबड्स आते हैं उनमें या तो रेड या तो ब्लू या तो फिर ग्रीन लाइट्स मिलती है, बट इसमें आपको रियल RGB लाइट्स मिलने वाली है और इसका प्राइस होने वाला है मात्र 1499 रुपये, जो कि लॉन्च प्राइस है। और ये आप लोगों को अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बोट की वेबसाइट पर मिलने वाला है 13 दिसंबर से। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको बॉक्स मिल जाता है जहाँ पर बोट का लोगो है और इसका नाम लिखा हुआ मिल जाता है। बाकी यहाँ पर हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया है। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर भी काफी सारे फीचर्स मेंशन किए हुए मिल जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सील को ब्रेक करते हैं और बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर चार्जिंग केस मिल जाता है, उसके बाद एक और बॉक्स मिलता है जिसमें आपको चार्जिंग केबल मिल जाती है जो कि टाइप सी है, और इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एयर क्लिप्स मिल जाती है जो कि आप अपने कानों के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अंदर साइड में आपको काफी सारे कार्ड्स मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले बोर्ड का स्टिकर मिल जाता है, उसके बाद यूजर मैनुअल और यहाँ पर FAQ कार्ड भी मिल जाता है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इसकी मदद से आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटलॉग मिल जाता है और वारंटी कार्ड मिल जाता है और एक और कार्ड मिलता है जिस पर लिखा हुआ है उपयोग करने से पहले मुझे पढ़ ले। तो यही सारी चीजें आपको बॉक्स में मिल जाती हैं। बाकी अब आते हैं केस की तरफ। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको केस मिल जाता है जो कि दिखने में काफी खूबसूरत है और काफी यूनिक आपको डिजाइन मिल जाती है इसमें। और साइज की बात करें तो काफी कॉम्पैक्ट है, तो ये आराम से आपके पॉकेट में आ जाएगा। और यहाँ पर बोर्ड का लोगो है और यहाँ पर एरो डिजाइन मिल जाती है और इस साइड में आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। तो डिजाइन वगैरह काफी अच्छी लग रही है। और इसको ओपन करते हैं लीड को, तो भाई साहब क्या जबरदस्त आपको RGB लाइट्स मिल जाती है। मतलब देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रॉपर RGB लाइट्स मिलती है जो कि ग्लो हो रही है, और इसमें आपको बर्ड्स पे भी लाइट्स मिल जाती है जो कि काफी मस्त लग रहा है। और जिन लोगों को लाइटों से प्यार है, रंगीनियां पसंद है, तो ये बर्ड्स उन लोगों के लिए होने वाला है, खास करके मेरे लिए, क्योंकि मुझे लाइट्स काफी ज्यादा पसंद आती है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड मिल जाती है और इसमें आपको मैट फिनिश दी गई है जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। और हिंजेस की बात करें तो यहाँ पर हिंजेस की क्वालिटी भी काफी तगड़ी है और बिल्कुल भी हिलता नहीं है। बर्ड्स को निकालते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको बर्ड्स मिल जाता है जिसके डिजाइन काफी यूनिक है, और इसमें भी आपको बोट का लोगो मिल जाता है और लाइट्स मिल जाती है। बाकी इसमें भी आपको मैट फिनिश दी गई है जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है। और एक बार मैग्नेट भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर मैग्नेट काफी स्ट्रॉन्ग है और अगर आप उल्टा करते हैं तो ये गिरते नहीं है। तो ओवरऑल डिजाइन बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और इसकी जो RGB लाइट्स है वो काफी जबरदस्त है। अब इसको पेयर करते हैं फोन से, तो यहाँ पर बस लीड को ओपन करना है और देख सकते हैं यहाँ पर ये डिटेक्ट हो गया है, बस इस पर टैप कर देना है और आसानी से ये पेयर हो जाता है। बाकी अगर आपको दोबारा पेयर करना है तो बस लीड को ओपन करना है और ये फटाक से पेयर हो जाता है, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है और इसकी कनेक्टिविटी सुपर फास्ट है। फिटिंग एंड कंफर्ट की बात करें तो इसको पहन लेते हैं और देखते हैं किस तरह से ये फिट होता है और कितना कंफर्टेबल है। तो देख सकते हैं ये कानों में अच्छे से फिट हो जाता है और आप जितना भी हेड को लाएंगे गिरने वाला नहीं है। तो फिटिंग आपको काफी अच्छी मिल जाती है। कंफर्ट की बात करें तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी है। बाकी एक सब्जेक्टिव चीज है क्योंकि हर किसी के कानों का शेप अलग अलग होता है। बाकी मुझे काफी कंफर्टेबल लगा, और अगर आप लोगों को इस तरह के ईयर टिप्स वाले ईयरबड्स कंफर्टेबल लगते हैं तो ये काफी कंफर्टेबल होने वाला है। बाकी इसमें IPX4 का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है, तो ये स्प्लैश एंड स्वेट प्रूफ है और हल्की फुल्की बारिश में या फिर जिम में जाते हैं पसीना होता है तो इसे ये खराब नहीं होगा। इसमें आपको ENX टेक्नोलॉजी मिल जाती है और क्वाड माइक का सपोर्ट मिलने वाला है, तो इसका कॉलिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है और सामने वाले को काफी क्रिस्प और क्लियर आवाज मिलेगी। बाकी यहाँ पर मैं इसके माइक का टेस्ट आप लोगों को सुना देता हूँ। तो अभी आप लोग जो आवाज सुन रहे हैं वो मेरे कैमरे के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, और अभी आप लोग जो आवाज सुन रहे हैं वो इस ईयरबड से रिकॉर्ड हो रही है। तो जब आप कॉल पर बात करेंगे तो सामने वाले को कुछ इस तरह की आवाज सुनाई देगी। बाकी जैसा कि आप देख सकते हैं, हेलो 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 इसका बैटरी बैकअप भी काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि इसमें 40 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलने वाला है जो कि काफी शानदार है, और इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज करते हैं आपको 180 मिनट्स का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, जो कि है साउंड क्वालिटी। तो इसमें आपको 10mm का ड्राइवर मिलने वाला है और इसमें बोट सिग्नेचर साउंड मिल जाता है, और इसकी साउंड क्वालिटी काफी अमेजिंग है। बेस की बात करें तो बेस काफी तगड़ी है, काफी पंची आपको बेस मिल जाती है। बाकी ट्रेबल्स काफी शार्प है और वोकल्स काफी क्लियर सुनाई देते हैं। और एक चीज काफी अच्छी है, अगर आप इसको फुल वॉल्यूम पर भी सुनते हैं तो वहां पर आपको जीरो डिस्टॉर्शन मिलता है, और लाउडनेस भी काफी अच्छी है इसकी। हालांकि जो बेस है वो थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू मिड्स और हाइज, तो जिन लोगों को बेस पसंद है ये बर्ड्स उन लोगों के लिए होने वाला है। बाकी म्यूजिक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर टच सेंसर मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से वर्क करता है। तो अगर आप सिंगल टैप करेंगे तो सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हैं, डबल टैप करेंगे तो ट्रैक को चेंज कर सकते हैं, और राइट वाले बटन को टैप करके होल्ड करेंगे तो बीस्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है गेमिंग मोड, और लेफ्ट वाले बटन को टैप करके होल्ड करेंगे तो वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है, और इसका टच सेंसर काफी अच्छे से वर्क करता है। बाकी गेमिंग की बात आई गई है तो इसमें 40 ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी देखने को मिल जाती है, तो इस पर आप COD या फिर PUBG खेल सकते हैं और आपको लेटेंसी का कोई भी इशू नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर मैं आप लोगों को सैंपल भी सुना देता हूँ।
तो देखा जाए तो ये एक प्रॉपर गेमिंग ईयरबड्स है, क्योंकि यहाँ पर RGB लाइट्स भी दी गई है जो कि गेमिंग वाइब्स देती है, और इसमें गेमिंग मोड भी मिल जाता है। अब आते हैं वर्ड पे कि क्या इसको लेना चाहिए या नहीं। तो इसका जो प्राइस है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इसका जो लॉन्च प्राइस है वो है 1499 रुपये, और बाद में इसका प्राइस हो जाएगा 1699 रुपये। तो देखा जाए तो 1500 के हिसाब से भाई काफ़ी शानदार डिवाइस है, और खास करके यहाँ पर आपको जो RGB लाइट्स मिलती है काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है, और बस इसको देखने का मन करता है। बाकी यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है, कॉलिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, उसके अलावा यहाँ पर आपको लो लेटेंसी मिल जाती है, और बैटरी बैकअप भी काफ़ी तगड़ा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर 1500 का सबसे बेस्ट डिवाइस है, और आप लोग बिल्कुल इसको ले सकते हैं। अगर आप लोगों को लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ले सकते हैं, और ये आप लोगों को अमेजन, फ्लिपकार्ट और बोट की वेबसाइट पर मिल जाएगा 13 दिसंबर से, तो वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को ये बर्ड्स कैसा लगा, और बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाएं। बाकी अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पर मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखें, बाय।